नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष प्रताप। स्वागत है आप सभी का। ये जो आपका सामाजिक विषय का सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इस बार एनसीईआरटी की किताबों का सिलेबस दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की भूगोल की किताबों में मुझे जितने क्वेश्चंस अच्छे लगे उन सब का कलेक्शन मैंने किया है। इसके पहले भी मैंने एक दो चैप्टर्स का किया है, तो वो अलग नहीं है, उसको भी इसी के साथ जोड़कर आप पढ़िएगा। तो इसमें देखते हैं, पहला है ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, गैसों और धूल कणों के घूमते हुए बादलों को निहारिका कहते हैं। ये परिभाषाएं याद रखना जो छोटी छोटी हैं, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। गैसों और धूल कणों के घूमते हुए बादलों को निहारिका कहते हैं। तारों के विशाल पुंज या तंत्र को मंदाकिनी कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं, 67 संख्या है इनकी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सिरिस। चंद्रमा पृथ्वी से 384,399 किलोमीटर दूर है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। सबसे पहला मानचित्र 2300 ईसा पूर्व में मृत्तिका पट्ट पर बनाया गया था। मानचित्रों को धातु की चादरों पर मिस्रवासी उकेरा करते थे। किस मिस्रवासी ने मानचित्र बनाने की विद्या को विज्ञान का स्थान दिया था? टॉलेमी ने। दिशा ज्ञात करने वाले यंत्र दिक्सूचक यंत्र को कंपास कहते हैं। 21 जून को सूर्य ठीक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, यानी ये हमारे देश भारत से होकर जाती है, गुजरात राजस्थान ये सब करीब 8 प्रदेश हैं जिनसे होकर ये जाती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूरज 21 जून को सीधे चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा पर चमकता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी ये याद रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय की ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। पृथ्वी अपने तल पर कितने अंश का कोण बनाती है? अपने तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है कि अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही ये जैसे आपकी पृथ्वी है इस तरह से कुछ, तो ये टोटल 90 डिग्री का होगा। ऐसे अगर कोण हम बनाना चाहें तो 90 डिग्री का होगा। तो ये जो झुकाव है इसका, ये 23.5 डिग्री है और अपने तल पर, तो यहाँ से अगर 90 डिग्री लिया जाए तो 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यूरोप को एशिया से विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला। यूरोप को एशिया से विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत श्रृंखला। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 2/3 भाग। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्यान रेखा कहा जाता है। पनामा नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है, मतलब भारत पाक जल संधि, ये कोई देश का नाम नहीं है पाक, ये एक जल संधि का नाम है। भारत पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है, यानी ये जैसे भारत है और श्रीलंका, तो यहाँ पे है पाक जल संधि, इसके द्वारा अलग होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय के समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिमी इलाका है और अरुणाचल प्रदेश इधर सबसे पूर्वी इलाका है। इन दोनों के मध्य सूर्योदय के समय में 2 घंटे का फर्क आ जाता है। काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर है? 0 डिग्री अंश पर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। दोनों ध्रुवों के बीच
पृथ्वी की सतह को घेरने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जाती है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी क्यों अलग है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से पर्यावरण में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कृषि उत्पादन में वृद्धि किस विधि द्वारा संभव है? गहन कृषि द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए व्यावसायिक क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां दक्कन के पठार का भाग हैं। कश्मीर और शेष भारत के मध्य बनिहाल दर्रा स्थित है। दक्षिण भारत में अवस्थित नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा स्थित है। दक्षिण भारत की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की चोटियों में सबसे ऊंची अनाईमोडी है। भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला शिवालिक श्रेणी है। दक्षिण भारत में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। बारामुल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यमुना गंगा की ही सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, पूरे भारत में गंगा है लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण की गंगा, ये वर्ड मेन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस वजह से कन्फ्यूज़न है। तो दक्षिण गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है लेकिन इसी में अगर दक्षिण की गंगा कह दिया जाए तो ये गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर? तो दो ही नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद 57 है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है, यह किस नदी पर बनाया गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह रिहंद नदी पर है। भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं बीएडी से, बैड। भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया और इनसे देवप्रयाग बनता है, बैड करके याद कर लीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, यह किस पर्वत श्रेणी की चोटी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी हिमालय का भाग है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट ये नेपाल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। लोकटक झील मणिपुर में है। लद्दाख एवं जास्कर घाटियों के बीच किस नदी की घाटी स्थित है? सिंधु नदी की। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, मासिनराम मेघालय में स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत के वनों का सर्वे करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972 में। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952। देश के पहले पर्यावरण एम्बेसडर बनाए गए थे APJ अब्दुल कलाम। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। देश का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। बिजली चमकना एवं मेघ गर्जना विशेषताएं हैं क्षोभ मंडल की। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य का है? असम का है। मृत सागर में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। शांत घाटी केरल में है। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कच्छा कहलाता है, कच्छा कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। तो इसमें 85 क्वेश्चंस का मैंने संकलन किया है और आगे अभी इतिहास के मैं क्वेश्चंस का ऐसे ही कलेक्शन करूंगा
और राजनीतिक और सामाजिक जीवन का, और कुछ इसमें पर्यावरण, तो चारों का जब संकलन हो जाएगा, और ये भूगोल और एक पेडागॉजी, तो 5 या 6 भागों में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इतने क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 5 भाग तो मैं अलग अलग ऐसे बनाऊंगा, उसके बाद एक भाग में मिश्रित बनाऊंगा जिसमें सारे ही क्वेश्चंस कोशिश करूंगा मिक्स हों, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इन सभी के। तो इस भाग में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।